मनोज वाजपेयी आज फिल्म इंडस्ट्री के उन सफल अभिनेताओं में शामिल हैं जिनका नाम सुनकर लोग फिल्म देखने आते हैं। फिल्म ही नहीं, फैमिली मैन वेब सीरीज रिलीज होने के बाद तो मनोज ने यह भी साबित कर दिया है कि वो हर जगह फिट हैं। जैसे फिल्मों में उनकी एक्टिंग परफेक्ट है, ऐसे ही कहा जाता है कि घर में भी मनोज वाजपेयी की लाइफ एकदम परफेक्ट है। एक समय ऐसा भी था जब शिल्पा शेट्टी की बहन सविता शेट्टी से उनके अफेयर के चर्चे जोरों पर थे। खास बात है कि उस समय भी मनोज वाजपेयी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे, लेकिन अचानक अफेयर की खबरों ने उनके जीवन में भी तूफान ला दिया था। बॉलीवुड फिल्म फरेब और वेफा में सविता मनोज के साथ नजर आई थी। ऐसे में कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान ही दोनों का रिश्ता आगे बढ़ गया और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों के अफेयर को लेकर ये तक कहा गया कि सविता इस रिश्ते में काफी सीरियस थी, लेकिन मनोज के शादीशुदा होने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। इस वजह से दोनों अलग तो हो गए, लेकिन सविता ने इसके बाद शादी नहीं की। हालांकि ये दावे कितने सच हैं, इस पर कभी मनोज या सविता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और धीरे धीरे इन खबरों पर विराम लग गया। मनोज वाजपेयी को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने पहली शादी एक्टर बनने से पहले ही कर ली थी। उस दौरान मनोज दिल्ली में थे और करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, इसी वजह से मनोज की पहली शादी नहीं चल पाई। हालांकि कुछ समय बाद मनोज ने दूसरी शादी एक एक्ट्रेस से की जिनका नाम शबाना रजा था। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर नेहा कर लिया है। मनोज वाजपेयी की पत्नी भी फिल्म करीब और फिजा में नजर आ चुकी हैं।